To everyone, in today's lecture, we are going to discuss some technical terms which are used in estimating and costing. So, let's start today's session. First one quantity surveying, which is related to our topic name. So, it is a list or schedule of quantities of all the possible item of work required for the construction of any building or structure these quantities are worked out from the plan and drawings of the structure thus the quantity surveying indicates the quantities of work to be done under each item's which when price per unit gives the amount of cost अगर आपको बिल्डिंग या कौन से भी स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करना है तो उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए नंबर ऑफ एटम्स लगते हैं वो एटम्स आप हेड और सब हेड में क्लासिफाई कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल एक्सकवेशन ये एक हेड हो गया और एक्सकवेशन के अंडर जो भी आइटम्स आएंगे तो उसको सब हेड में क्लासिफाई करेंगे जैसे कि एक्सक्वेशन इन फाउंडेशन फॉर फूटिंग एक्सक्वेशन फॉर प्लीन बीम अगर आपको अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाना है तो एक्सक्वेशन फॉर अंडरग्राउंड वाटर टैंक या आपको सेप्टिक टैंक बनाना है तो एक्सक्वेशन फॉर सेप्टिक टैंक सो दीज आर सब हेड्स अंडर हेड एक्सक्वेशन उसी तरह से ब्रिक वर्क हो गया कंक्रीट वर्क हो गया रेनफोर्समेंट वर्क हो गया वुड वर्क हो गया प्लास्टर वर्क हो गया या पेंटिंग वर्क हो गया मतलब आपके बिल्डिंग या स्ट्रक्चर को बनाने के लिए जो भी आइटम्स रिक्वायर्ड हैं या लगेंगे उसकी लिस्ट या शेड्यूल ऑफ क्वांटिटीज को क्वांटिटी सर्विंग कहते हैं और जब आइटम्स ऑफ क्वांटिटी को यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आइटम्स ऑफ वर्क की टोटल कॉस्ट मिल जाएगी सो इन शॉर्ट क्वांटिटी सर्विंग मींस एस्टिमेटिंग ऑफ क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क नेक्स्ट वन प्राइम कॉस्ट प्राइम कॉस्ट Is the actual cost of article at the shop and refers to supply of articles only and not to carrying out of work. It is not always possible at the time of preparing estimate and even when entering contract to specify exactly the types of articles required. So Hamisha estimate या इवन कॉन्ट्रैक्ट लेते समय कुछ ऐसी चीज़ें या आर्टिकल या ऑब्जेक्ट रहते हैं उनको एक्जैक्टली exactly स्पेसिफाई कर नहीं सकते तो ऐसी चीज़ें आर्टिकल या ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली शॉप से परचेस करना पड़ता है या वो आर्टिकल या ऑब्जेक्ट को सप्लाई करना पड़ता है तो उसका जो भी एक्चुअल प्राइस है तो उस प्राइस को प्राइम कॉस्ट कहते हैं फॉर एग्जाम्पल वाटर सप्लाई फ़िटिंग्स सैनिटरी फिटिंग्स डोर एंड विंडोज़ फिटिंग एट्सेट्रा आर टू बी डिसाइडेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एक्चुअल फिटिंग अकॉर्डिंग टू द चॉइस ऑफ ओनर और इंजीनियर इन चार्ज

एंड अकॉर्डिंग टू दैट द फिटिंग चार्जेस अल्सो वेरी अब वो चॉइस या तो साइट इंजीनियर की होती है या ओनर की होती है तो ये आइटम्स का एग्जीक्यूशन करने के लिए जो भी रिजनेबल अमाउंट एस्टिमेट में रखी जाती है तो उसको प्राइम कॉस्ट कहते हैं द सेम इज ऑल्सो प्रोवाइडेड

इज अ डिटेल स्टेटमेंट ऑफ टोटल क्वान्टिटी ऑफ आइटम ऑफ वर्क इट्स यूनिट एंड यूनिट रेट एंड द टोटल कॉस्ट फॉर द इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग बाई कॉन्ट्रैक्ट तो उसे हम बिल ऑफ क्वान्टिटीज कहते हैं ये जो प्राइम कॉस्ट आर्टिकल रहती है तो ये बिल ऑफ क्वान्टिटीज में भी मैंशन करना पड़ता है जब कोई भी वर्क में ऐसे आर्टिकल या ऑब्जेक्ट के क्वालिटी या उसके प्राइस के बारे में इंस्ट्रक्शन या अप्रूवल इंजीनियर इंचार्ज से आता नहीं तब तक वो आर्टिकल या ऑब्जेक्ट का सप्लाई कॉन्ट्रैक्टर को नहीं होता प्राइस कॉस्ट टू बी पेड टू द कॉन्ट्रैक्टर फॉर प्राइम कॉस्ट आर्टिकल्स विल बी the actual price paid by him to the merchants ignoring any cash discount which he might have received and contractor is not allowed any profit on the prime cost articles but he may be allowed to the actual cost for carriage if specified जैसे ही अप्रूवल या इंस्ट्रक्शन साइट इंजीनियर से या इंजीनियर इंचार्ज से मिलता है तो तभी प्राइम कॉस्ट आर्टिकल की जो भी एक्चुअल प्राइस है वो कॉन्ट्रैक्टर को मिलती है और उसमें जो भी मर्चेंट कॉन्ट्रैक्टर को कैश डिस्काउंट देता है तो वो अमाउंट कॉन्ट्रैक्टर को मिल सकती है बट ये चीज़ों पे कोई भी प्रॉफिट कॉन्ट्रैक्टर को नहीं मिलता अलावा कैश डिस्काउंट के पर उस आर्टिकल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर लगेगा तो उसकी जो भी अमाउंट है तो वो गवर्नमेंट या ओनर को देनी पड़ती है अगर वैसा कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाई किया है तो next one provisional sum certain amount provided by the experience estimators or by a specialist firm in the estimated cost of the project for some special type of work whose details are not known at the time of preparing estimate is called as provisional sum अगर प्रोजेक्ट में कुछ स्पेशल टाइप का वर्क करना है जिसका डिटेल्स एस्टिमेट करते समय मालूम नहीं रहता है तो उसके लिए एक्सपीरियंस एस्टिमेटर या स्पेशल फर्म कुछ सर्टन अमाउंट प्रोवाइड करती है तो उस सर्टन अमाउंट को प्रोविजनल सम कहते हैं For example, the work like installation of refrigerating machine, installation of lift, installation of air conditioning, etc., for which full information and details may not be known at the time of preparing estimate and entering into contract.

लिफ्ट का इंस्टॉलेशन या एसी का इंस्टॉलेशन जिसका फुल इंफॉर्मेशन या डिटेल इस्टीमेट करते समय मालूम नहीं रहता है और वो स्पेशल वर्क स्पेशल फॉर्म से ही करना पड़ता है तो उसके लिए इस्टीमेट में एक रीज़नेबल अमाउंट प्रोवाइड किया जाता है एज अ प्रोविजनल सम वर्क विच बाय नेचर कैन नॉट बी एक्यूरेटली टेकन ऑफ और विच रिक्वायर साइट मेजरमेंट शैल बी डिस्क्राइब्ड एज प्रोविजनल सम और कभी कभी ऐसे वर्क भी होते हैं जिसका नेचर एक्यूरेटली बता पाना मुश्किल रहता है तो उसको साइट मेजर करने के बाद ही बता सकते हैं तो ऐसे वर्ग को भी प्रोविजनल सम में लिया जाता है इन केस ऑफ प्राइम कॉस्ट एंड प्रोविजनल सम द लमसम अमाउंट इज प्रोवाइडेड इन द इस्टीमेट एंड इन द बिल ऑफ क्वांटिटीज प्राइम कॉस्ट और प्रोविजनल सम में आपको एक लमसम अमाउंट इस्टीमेट में या बिल ऑफ क्वांटिटी में Provide So, this is about the prime cost and provisional sum. Next one provisional quantities. These are the additional quantities which are not included in the estimate. It occurs due to variation of site condition.

प्रोविजनल क्वांटिटी कहा जाता है और ये क्वांटिटीज एक्चुअल डायमेंशन के हिसाब से सेपरेटली वर्कआउट की जाती है और प्रोविजनल क्वांटिटी हेड के अंडर लिया जाता है फॉर एग्जांपल फॉर अ बिल्डिंग इफ द नेचर ऑफ सॉइल इज अनसर्टन एंड इफ it is though that extra depth of foundation will be required then normal quantities of earthwork foundation concrete and brickwork will be calculated from the dimensions as given in the drawing and the additional quantities of earthwork foundation concrete and brickwork ड्यू टू द प्रूवेबल एक्स्ट्रा डेप्थ आर वर्कआउट सेपरेटली एंड दीज एडिशनल क्वांटिटीज आर मार्क्ड एज प्रोविजनल क्वांटिटीज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई विल एक्सप्लेन इन डायग्रामेटिकली सो दैट यू विल अंडरस्टैंड द प्रोविजनल क्वान्टिटीज सो मैं एक स्टेप फुटिंग का एग्जाम्पल लेता हूँ तो ये आपका पीसीसी है और ये आपका ग्राउंड लेवल है और यहाँ पे लेट सपोज आप ब्रिक वर्क प्रोवाइड करने वाले हो और ये जो फाउंडेशन है इसकी डेप्थ वन मीटर है अभी सॉइल का नेचर जो है अनसर्टन होता है अगर यहाँ पे ब्लैक कॉटन सॉइल प्रेजेंट होता है तो वो केस में आपको ये जो फुटिंग का डेप्थ है तो वो आपको इनक्रीज करना पड़ता है लेट सपोज इंस्टेड ऑफ वन मीटर यू हैव टू एक्सक्यूएट फॉर टू मीटर मीन्स एक्स्ट्रा एक मीटर तो उसके लिए तो जो ये एक्स्ट्रा एक मीटर का एक्सक्वेशन करना है या उसके पीसीसी के लिए जो भी एक्स्ट्रा कंक्रीट लगने वाला है या जो भी एक्स्ट्रा ब्रिक वर्क लगने वाला है तो उसका जो भी एडिशनल क्वांटिटीज़ है तो वो एडिशनल क्वांटिटीज़ को आपको सेपरेटली वर्कआउट करना पड़ता है और वो जो एडिशनल क्वांटिटीज़ रहती है तो उसको हम प्रोविजनल क्वांटिटीज़ कहते हैं तो ये किस वजह से होता है इट इज़ ड्यू टू द अनसर्टन नेचर ऑफ सॉइल कंडीशन सो दिस इज अबाउट द प्रोविजनल क्वांटिटीज़